अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे गाजर मटर और मेथी की सब्ज़ी जो कि बहुत ही चटपटी और डिलीशियस है। आपने गाजर की सब्ज़ी तो बहुत खाई होगी, आप इस तरीके से भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम चलते अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने गाजर लिया है, अब हम इसे धोकर अच्छे से काट लेंगे बारीक बारीक। पहले हम इसके किनारे को हटा देंगे इस तरीके से। अब इसे एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है हमें। आप चाहे तो लंबे शेप में भी काट सकते हैं इसे, जिस तरीके से भी आप काटें। ये रहा, मैंने इसे गोल गोल काट लिया है और मैंने इसे पहले ही धो लिया था। ये मैंने कुकर में 1.5 गिलास पानी लिया है। अब इसमें गाजर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ही हमारा इसमें जो गाजर में मिठास होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और हम इसे ढक्कन लगाकर, एक सीटी ही लगाना है हमें, ज़्यादा नहीं पकाना है बिल्कुल भी। जब तक ये हमारी सीटी लगती है हम अपनी और सब्जियाँ काट लेते हैं। ये मैंने मेथी लिया है, इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। मेथी को भी मैंने पहले ही धो लिया था, तो देखिए मैंने इसे अच्छे से काट लिया एकदम बारीक बारीक। और साथ ही मैंने मटर भी छील लिया था। आप अपने हिसाब से सब्जी ले सकते हैं जितना भी आपको पकाना है। मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है, इसे मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाला है। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। साथ ही इसमें लहसुन डालेंगे, ये 5-6 कलियाँ लहसुन की है, इसे मैंने कूट लिया था। पेस्ट नहीं बनाना हमें, बस ऐसे कूट के ही डालना है। इसे भी हम अच्छे से लाल कर लेंगे। देखिए मेरा लहसुन एकदम लाल हो चुका है। मैं इसमें मटर डाल दूँगी और इसे मैं ढक दूँगी ताकि मटर उछले नहीं। ये बस मैंने, अब हमें खोल लेना है और इसे हिलाएंगे और थोड़ा सा पानी डालना है हमें, बिल्कुल थोड़ा सा। बस अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने इसमें डाला 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसमें। बस कम मसाले में हमारा बहुत ही टेस्टी लजीज सब्जी बनके तैयार होने वाला है। इसमें नमक डालेंगे, नमक हमें कम डालना है क्योंकि हमने गाजर में भी डाला था इसको बॉईल करते वक्त। अब हम इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमारी एक सीटी लग चुकी है, मैंने इसका गैस निकाल लिया है और मैंने गाजर को निकाल कर ठंडा कर लिया है। ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए गाजर। अब इसी पानी में हम हमारी मेथी को डाल देंगे। मेथी को हम गर्म पानी में डालेंगे, इससे इसका खारापन भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें नमक भी है वो भी इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। बस इसे भी हम निकाल लेंगे थोड़ा सा हिलाते हुए। एकदम हमारा मटर भी गल के तैयार हो चुका है, एकदम पक चुका है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा गाजर भी तैयार है, मेथी भी पक चुका है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। मटर हमें एकदम अच्छे से गला लेना है। हम गाजर डालेंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। बस इसे भी मैंने ढक दिया, बस 1 मिनट के लिए हमें पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए हमारा गाजर का पानी भी सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी। मेथी के पत्ते जो हमने गर्म पानी में डाला था वही यही है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके और सिर्फ हमें 1 मिनट और पकाना है ताकि मेथी का गाजर का सारा पानी ख़त्म हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सारा पानी हमारा सूख चुका है। लास्ट में हमें अमचूर पाउडर डालना है, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर हमें लास्ट में ही डालना है। ये देखिए हमारा पूरी सब्ज़ी एकदम अच्छे से ड्राई हो चुकी है, इसका मतलब ये पक चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। अब मैंने सब्जी को बॉल में निकाल लिया है। देखिए माशाल्लाह, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।